बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। डेहरी से निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने माइक और कई कुर्सियां तक तोड़ दी। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ज्योति को सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक महिला को बाहर करने में मार्शलों के पसीने छूट गए। बाहर कर दीजिए हमको। बिहार विधानसभा में हंगामे के ऐसे दृश्य कोई नई बात नहीं है। न विधायकों का चिल्लाना, न कार्यवाही का स्थगन और न बहस से भागना, लेकिन इस बार बहुत कुछ नया था। सिर्फ एक विधायक का हंगामा और हर माइक पर जोर आजमाइश। जो भी हाथ में आया टूटता चला गया और कार्यवाही रुक गई। नाम है ज्योति रश्मि, डेहरी से निर्दलीय विधायक हैं। इस सत्र की शुरुआत से ही शराबबंदी की मांग कर रही थी, लेकिन न सरकार सुन रही थी, न विधानसभा में चर्चा के लिए वक्त मिल रहा था। 3 दिन से हम धरना पर बैठे हुए थे शराबबंदी को लेकर के। हताश और निराश ज्योति का मिजाज गुरुवार को गर्म हो गया। पहले माइक को तोड़ने में लग गई और फिर कुर्सियों को। मार्शल्स को बुलाया गया और उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। जब वो बाहर पहुंची तो पता चला कि वो सस्पेंड हो चुकी हैं। हमारी आवाज को दबाई जाती है। हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मैं न प्रोसीडिंग में जाएगी न इलेक्ट्रिक मीडिया में जाएगी। तब मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को कभी पीते हुए नहीं देख सकती। विधानसभा से बाहर निकाले जाने के बाद ज्योति खुद से हुए बुरे सलूक के सबूत पेश करती नजर आई। बाहर निकलते ही उन्हें बीजेपी का भी साथ मिल गया। आपको लग रहा होगा कि अब इस कहानी से भला बीजेपी का क्या वास्ता हो सकता है? वास्ता है, सियासत का वास्ता। बीजेपी पूरे सत्र शांत बैठी रही, लेकिन चुनाव का वक्त है तो रश्मि के साथ शराबबंदी के सहारे खड़े होकर सरकार को घेरने और अपनी सियासत को बचाए रखने का रास्ता चुना है सुशील कुमार मोदी ने। और स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अगर अगली बार मुझे मौका मिला तो मैं बिहार के अंदर शराबबंदी लागू करूंगा। और जो उस मुद्दे को उठा रही है, एक महिला है तो महिला है, और उसको जिस प्रकार से मार्शल आउट किया गया, वो घायल हो गई है, यह अत्यंत निंदनीय है। भले ही बीजेपी को हंगामे में सियासत के सूत्र नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि 2002-2003 में बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 3095 थी, जो 2013-2014 तक बढ़कर 5467 तक पहुंच गई। पिछले 10 साल में 2372 नई दुकानें खुली हैं, मतलब बिहार में हर दूसरे दिन शराब की एक नई दुकान खुली है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, इस बार सरकार बना दीजिए, शराब की एक बोतल तक नहीं बिकने देंगे, गुजरात बना देंगे। लेकिन नीतीश के राज में ही शराब का विरोध करने पर सस्पेंड होने का सर्टिफिकेट मिला है ज्योति रश्मि को। विरोध का ये तरीका लोकतंत्र में बेशक जायज नहीं, लेकिन इनकी मांग बड़ी है। समय रहते नीतीश कुमार समझ गए तो ठीक, वरना जनता अगर कुछ उल्टा समझ गई तो नीतीश के लिए बड़ी सियासी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना।